तो ऑन अले व्हाट अ मैच ऑफ क्रिकेट टुडे हमने देखा साउथ अफ्रीका ने और ऑस्ट्रेलिया ने क्या वन ऑफ द बेस्ट मैच ऑफ द वर्ल्ड कप कह सकते हैं क्योंकि बहुत ही साउथ अफ्रीका यार आज उन्होंने चौक नहीं की फाइटिंग मैच की आखिरी जो है ना अपना दम लगाया यार बिल्कुल दम लगाया लेकिन वो जो स्टार एक्स्ट्रा उन्होंने फेंके वो ही उनके आगे आ गए और मिचेल स्टार्क ने भी तकरीबन इन लोगों ने 26 रन जोड़े आखिरी पार्टनरशिप में 25 रन रह गए थे तो वहां पे भी थोड़ा सा चांसेस करियर कुंटे डिकॉक ने ड्रॉप किया एक चांस को ठीक है वहां से कहानी बदल सकती थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आ चुके हैं ग्रैंड एंट्री के साथ और इंडिया तैयार है ऑस्ट्रेलिया आपको हराएगी हम तो बाहर है लेकिन आपको जरूर ऑस्ट्रेलिया हराएगी क्या हम तो बाहर है आप भी इंशाल्लाह जो है ना संडे को फायर हो जाएंगे और बल्कि बाहर क्या ना वो वही रहेंगे ऑस्ट्रेलिया अपनी जो है छठी जीत वर्ल्ड कप के साथ छठी जीत के साथ अपने वापस वतन जाएंगे जिस तरह ऑस्ट्रेलिया जीता है ना 60 पे 137 पे ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती है ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती है इंडिया डिजर्व नहीं करती वो सारे मैच जीती है देखिए डिजर्विंग साइड क्या होती है डिजर्विंग साइड ये होती है कि जो नीचे से ऊपर जाए डिजर्विंग साइड वो नहीं होती जो सारे मैच जीती लॉ ऑफ एवरेजेस आएगा मैंने अपनी वीडियो के अंदर बात की थी उस दिन भी जब प्री मैच था कि न्यूजीलैंड हारेगी उस दिन वो डेफिनेटली हारेगी ठीक है वहां पे मैच में 5-2 हुआ जो भी हुआ लेकिन वो आना था लेकिन मजा आने का था कि लॉ ऑफ एवरेजेस आएगी संडे को फाइनल वाले थे तो वो देखेंगे लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच की तरफ बात करें सबसे पहले आपको मैच समरी बता देते हैं जिसमें बहुत ही आला परफॉर्मेंस दी डेविड मिलर ने बड़ा शो किया 24/4 के बाद एक शो किया और वन ऑफ द बेस्ट शो इस वर्ल्ड कप का जितने भी आप सेमीफाइनल के नॉकआउट उठाएंगे साउथ अफ्रीका का ऐसा कोई प्ले स्टेबल नहीं होता जो उनके लिए लड़े लेकिन आज उन्होंने चौक नहीं किया आज पिच कंडीशन डिफरेंट थी बबुमा की कैप्टनसी वाज द आउटस्टैंडिंग लीडर वो आउटस्टैंडिंग है लेकिन विद द बैट उन्होंने बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर प्ले किए अच्छी बैटिंग नहीं की उनको करनी चाहिए तो उनको जिम्मेदार वो सीरीज से पहले बहुत टॉप स्कोरर थे उस सीरीज के अंदर लेकिन जब ये वर्ल्ड कप में आते हैं वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पाते बिल्कुल परफॉर्म नहीं बाबा जैसे इनका भी चल रहा है बाबर तो रिटायर हो गए मतलब रिजाइन कर दिया उन्होंने कैप्टनसी से तो बुमा तो कैप्टन अच्छे हैं लेकिन बैट्समैन में इनको अपनी कमियां क्योंकि स्ट्राइक रेट की इनकी बड़ी बात होती है बाबर आजम की बात होती है ठीक है बहुत से प्लेयर्स की बात होती है लेकिन इनका स्ट्राइक रेट का इशू है तो मिचेल स्टार्क बड़ा प्लेयर का बड़े मैच का बड़ा प्लेयर आपको बताया उसने 3 विकेटें आज ली है उनको कह रहे थे कि भाई इसकी फॉर्म नहीं लगी लेकिन यही फर्क है शाहीन शाह अफरीदी पे और मिचेल स्टार्क भाई मिचेल स्टार्क बड़ी ओकेजन में बड़े दिन नॉकआउट के मैच में आप उठा ले 2015 का फाइनल बेटा मकलम आप देखे ना साउथ अफ्रीका भी देखे 4 सेमीफाइनल खेल चुकी है 4-4 3 हारी है और 1 टाई 4 ही हारी मतलब वो स्टैट्स पहले था ना और आज भी हारेगी मतलब 5 हार हो चुकी है साउथ अफ्रीका की सेमीफाइनल के अंदर तो वैसे तो वो चौक करते हैं लेकिन आज उन्होंने दम दिखाया फाइटिंग करके यार बबुमा ने इस टीम को यूनाइटेड रखा कंबाइन रखा क्योंकि उसकी ये बेस्ट बात है वो कूल रहा था काउंटर में लेकिन जैसे शमजी ने विकेट ले थी ना मैक्सवेल की ही इज ओवर एक्साइटेड कि आज के दिन कुछ ना कुछ जज्बात निकले सारा कुछ निकले उसकी कैप्टनसी में लेकिन उसकी बैटिंग में बहुत वीक पॉइंट था आपने टॉस जीत के ओवर हेड कंडीशन थी आपने बॉलिंग करनी चाहिए अपनी बैटिंग क्योंकि कि चौक का एक निशानी यहाँ पे आते हैं कि आपने चौक करते हो ना इतनी दफा तो आपको लगता है यार रन ऑन द बोर्ड करते हैं ना जो मर्जी कंडीशन हो जी। तो अगर यहाँ पे 250 रन होते तो साउथ अफ्रीका ये मैच गारंटी से जीतता था लेकिन यहाँ पे 20 रन वहां से शॉर्ट थे 17 आपने अपर से एक्स्ट्रा दे दिए ऑस्ट्रेलिया ने बनाए कितने फिर ऑस्ट्रेलिया ने वही आपके बनाए 95 रन बनाए ना आपने उनको एक्स्ट्रा दिए शुरू में 6/60 रन थे फिर पहली विकेट गिरी थी उसके बाद साउथ अफ्रीका चढ़ गया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और ऑस्ट्रेलिया ने इतनी आसानी से नहीं जीता लेकिन कभी कभी जब सेमीफाइनल में नॉकआउट में ऐसे मैच आते हैं तो वो टीम ज्यादा स्ट्रांग होती है इसलिए मैं कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया इज मच डिजर्विंग देन इंडिया क्यों बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मैच हारे उसके बाद लगातार हर मैच जीते वो सब कहते हैं वर्ल्ड कप से बाहर है ये है वो लेकिन आज उन्होंने दिखाया चैंपियन इज अ चैंपियन लाइन इज अ लाइन तो ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद में मिलेगी इंडिया के साथ तो ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने आज बॉलिंग के साथ तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जॉस हेजलवुड एक जगह ठप्पा पकड़ा हुआ करी जा रहा 24/4 12 ओवरों में और इनको 9वें ओवर में पहली बाउंड्री मिली थी और ट्रेवर्स हेड ने दूसरी बॉल में बाउंड्री मार दी
तो ये आपको फर्क बताता है कि दोनों टीमों की अग्रेसिवनेस को। अच्छा अब आप इंडिया को देखें, अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर इंडिया टॉस जीतेगा बैटिंग करता है, इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग उस दिन कल एक्सपोज हुई है, तो इस अब अगर शमी को निकाल दें, किसने विकेट्स लेंगे कल, कुलदीप यादव शमी इंडिया में ही जो है ना, जो इंडिया के प्लेयर है उसने उस देखे, अगर मैं क्या शमी तो उनके स्कोर नहीं ना थे, वो तो उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, उसको अंदर ले आए, लेकिन अगर आप शमी को टाइम ठीक है आप टाए, कुलदीप यादव ने विकेट्स नहीं ले रहे, रविंद्र जडेजा को भी कल कुट पड़ी थी, सिराज को इतनी कल कुट पड़ी है, ठीक है, तो अगर आप शमी को उस दिन ऑस्ट्रेलिया हैंडल कर गया, शमी के ओवर बुमराह के ओवर रोक गया वो, ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट चांस है वर्ल्ड कप को जीतने जी, जैसे न्यूजीलैंड भी मैच जो है अपना लेके जा रहा था, मैच रन बहुत थे, 400 रन सेमीफाइनल के अंदर चेज हो सकते हैं, नामुमकिन बात है, जब चेज हो रहे थे लेकिन वहां पे जब उन्होंने शमी का ओवर दोबारा लगाया ना, उनका चाहिए था वो ओवर रोक लेते, रोकने वाली कल कहानी नहीं ना थी थोड़ी, 400 रन है कोई आपके 300 350 नहीं थे, 400 रन कैलकुलेशन के हिसाब से, वो 90 ओवरों में थे, 190 पे दो, तो उस हिसाब से उन्होंने चांस तो लेना था, तो वो शमी को विकेट दी नहीं, विलियमसन ने खुद विकेट धोनी की, तो वहां पे रन के लिए जा रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने आज बहुत ही खूब अंदाज किया, लेकिन मैक्सवेल ने डिसअपॉइंटमेंट की थोड़ी सी, वो शॉट्स ऑन नहीं थी उस टाइम, ठीक है पहली दफा भी वो ऐसे आउट हुए थे, दूसरी दफा भी इस तरह ही आउट हो गए थे, मतलब ओपनिंग मैच में भी ऐसे आउट हुए हैं, कुलदीप यादव के खिलाफ, अर्शम जी के खिलाफ भी उसी तरह बोल्ड हुए, क्रॉस मारने के चक्कर में, मिड विकेट में मारने के चक्कर में, तो जहां पे डेविड मिलर ने बहुत ही गोला इनिंग्स खेली, वहां पे जो है मैच को अपनी साइड किया, और उस 100 के बाद एक इंडिकेशन थी कि भाई नहीं हम यहां से फाइट करेंगे, और साउथ अफ्रीका ने यहां से फाइट की, लेकिन जैसा स्टार्ट ऑस्ट्रेलिया को मिल गया था, उनको यहां से कंफर्टेबल विक्ट्री हासिल करनी थी, साउथ अफ्रीका ने मैच में वापस आया एक किस्म का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मैच ले गया हुआ था, जैसे 6 ओवर में उनके 60 रन से ना, जब उनके आउट हुए, फिर दूसरा आउट हुआ, फिर तीसरा आउट, वो उनके चांसेस बढ़ते गए, अभी उन्होंने जो कैच छोड़ा ना पैट कमिंस का, ड्रॉप हो रहे हैं पास, तो फिर आप कैसे करोगे, फिर तो आप वही बात आ गई ना, कैचेस विन मैचेस, जीत जीजम नहीं ना करते, फिर आप विनर्स जो होते हैं ना वो उनकी हैबिट्स होती है विन करना, और ऑस्ट्रेलिया की हैबिट है वर्ल्ड कप को उठाना, ये एक चैंपियन टीम है, चैंपियन टीम की मेंटेलिटी डिफरेंट, आज इन्होंने आपने इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, बॉडी लैंग्वेज इनकी ये थी कि भाई हमने इस मैच को नहीं छोड़ना, जहां से स्टार्ट किया आज ना कोई कैच ड्रॉप है ना कोई मिस फील्डिंग है, वैसे शरीर के कैचेस ड्रॉप हो रहे थे आप लीग मैच में देखे, लेकिन इस टीम को क्यों कह सकती है कि ये सेमीफाइनल में ना है, ये अगर आ गई तो ये फाइनल लेके जाएगी, और इंडिया तैयार हो जाए, मैं तो कल जो जब भी मैच होगा संडे को मैच है ना, तो अहमदाबाद में मैच है, और मैं तो ऑस्ट्रेलिया को 80% दूंगा, बिल्कुल वो परसेंटेज भी देंगे इंडिया के मैच में, मैं ऑस्ट्रेलिया को 80% दूंगा, और आप क्या कहेंगे, इंडिया 20%, आप क्या कहेंगे परसेंटेज में, परसेंटेज तो भी जल्दी दे रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सी चीजें हैं, अब लास्ट मैच है ना, अब मुझे पहले परसेंटेज बताया, छठी मरतबा ये चीज हासिल करे, चाहते चाहने की बात नहीं, जैसा वो खेल रहे हैं उनका ही लग रहा है मुझे, और इंडिया को कौन सी टीम हरा सकती थी ये बात हुई थी, वो ऑस्ट्रेलिया है, उसके अलावा कोई टीम नहीं हरा सकती अभी करंट मोमेंट में, जो उनकी फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर भी बड़े तगड़े हैं, मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस है, हेजलवुड है, क्यूमंस है, ठीक है, उसके बाद जैम्पा है, मैक्सवेल है, ट्रेवस हेड भी है, मिचेल मार्श भी है, तो उनके पास ठीक ठाक बॉलिंग है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ा था पहले मैच में 3 इनके आउट, लेकिन विराट कोहली आ गए वहां से भगवान उनके, तो उन्होंने उनको बचा लिया फिर से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फाइनल में होगा, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, और पैट कमिंस बड़ी शानदार बॉलिंग करेंगे उस दिन भी,
तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो वो तो हम बात करेंगे कि उस मैच के अंदर, लेकिन आज आपको क्या लगा कि ऑस्ट्रेलिया की कमी क्या थी, वीक जोन कोई लग रही थी आज के मैच में कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया के यार आज उन्होंने कैच छोड़े, कैचेस नहीं छोड़े आज, नहीं वीक जोन मतलब उनकी बैटिंग डिपार्टमेंट में, या आपको शॉट पे एक हुआ है तो आपने फिर क्यों नहीं उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश? यार वही उन्होंने बहुत इजी ले लिया होगा, जैसे 212 रन का टारगेट है तो ये तो हम कर ही लेंगे, लेकिन वो तेज शुरू में इसलिए खेले है क्योंकि मसला ना बने, स्पिन हो रही थी बॉल तो वहां से मुझे बॉलिंग पिच थी, ये बॉलिंग मिस थी, बिल्कुल बॉलिंग मिस थी, ओवर हेड कंडीशन थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ये किया अपने नफ्स को कंट्रोल रखा, कोई दूसरी टीम होती लाइक पाकिस्तान ये मैच गवा देती है। जी जी ठीक है, आपको पता है कि भाई एक विकेट गिरे वहां पर ढेर लग जाता है, आपको स्पिनर ही नजर आते ना, ठीक है आपको स्पिनर समझ ही नहीं आते, ठीक है लेग स्पिनर ने अनयूजुअल शॉट थी, क्या शॉट थी वो, रिवर्स भी मार है, अब भाई आप सीधा खेल रहे हो, आपने कौन सा 450 350 चेस कर 212 चेस करना सिर्फ, जो इस पिच के हिसाब से एवरेज टोटल 209 है तो वो कम था, आपने स्कोर कम लगाया, लेकिन यहां तक साउथ अफ्रीका पहुंची है तो उसके लिए भी अप्रिशिएशन की जाती है कि साउथ अफ्रीका ने बड़ी हिम्मत दिखाई आज, बड़े डेविड मिलर ने हौसले पैदा किए और लगे रहे गेम को चलाते रहे, गेम को जाने नहीं दिया, लेकिन वहां पे ऑस्ट्रेलिया की भी तारीफ है कि उन्होंने टाइट लेंथ की और इन्होंने शुरू में टाइट बॉलिंग नहीं की, दोनों टीम का फर्क यही है कि उन्होंने स्टार्ट से लेकर एंड तक टाइट रखा, इन्होंने स्टार्ट में टाइट नहीं की और दरमियान में इनको पकड़ा, तो इस वजह से मैच में मजा आया, इंटरेस्ट पैदा हुआ, लेकिन ऑन द कार्ड सबको 47 ओवर तक गया, ऑन द कार्ड सबको पता था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, लेकिन ये पता था कि फाइट जरूर होगी क्योंकि उनकी बॉलिंग लाइनअप अच्छी थी, ठीक है आज जो ओपनिंग बॉलर है जॉनसन उनसे अच्छी बॉलिंग नहीं हो पाई, उन्होंने काफी एक्स्ट्रा दिए तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया को वो स्टार्ट उन्होंने मिला, डेविड वार्नर और ट्रेवर हंट को ये हो था कि भाई हम तेज खेलेंगे, हम ओवर एग्रेसिव खेल देंगे यहाँ पे, ताकि यहाँ 50 पे एक भी हो, 60 पे एक भी हो, हम टीम को स्टार्ट देके चलेंगे, लेकिन मिचेल मार्श भी पुअर, ठीक है उसके बाद मैक्सवेल की शॉट नहीं समझ, स्टीव स्मिथ हवा में शॉटे मारे, आज बॉलिंग पिच तो थी, लेकिन इन रेगुलर आप अगर इतना की केयरलेसनेस शॉट्स खेलते हो ना तो वो प्रेशर आता है आपकी टीम के वहां, क्योंकि आप मेन बैट्समैन हो, मिचेल मार्श हो जाए, ग्रैंड मैक्सवेल हो जाए, स्टीव स्मिथ हो जाए, लेब शेनी हो जाए, तो ये मेन बैट्समैन है, लेब शेनी और स्टीव स्मिथ के लिए तो आइडियल पिच है ना, क्योंकि वो रोक रोक कर टाइम लेके सिंगल डबल की गेम करते हैं, मैक्सवेल के साथ आज पता नहीं क्यों है, मैक्सवेल वही शॉट सिलेक्शन के वो बॉल थोड़ी समझी कि इस तरह शॉर्ट ऑफ लेंथ ला गई, लेकिन वो टर्न हुई पूरी, वो मिड विकेट पे जाने की कोशिश कर रहे थे और बोल्ड हो गए थे बहुत बुरी तरह से। तो चले देखते हैं कि अगले मैच में जो फाइनल है जिसका हम सबको इंतजार था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इज लोडिंग राइट नाउ इन द फाइनल इन द अहमदाबाद, तो होप फॉर द बेस्ट, इंडिया वाले दुआएं करें, पाकिस्तान वाले भी दुआएं करें कि जो टीम बेटर है वो खेले, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया हारे, एक टीम ने इतनी मेहनत की है, इतनी मैचेस जीते हैं, लेकिन लॉ ऑफ एवरेजेस आएगा, ठीक है जब आप एक मैच नहीं हारते। अच्छा वैसे एक और बात है, लास्ट टाइम 2019 का वर्ल्ड कप देखे इंग्लैंड में और इंग्लैंड ले गया, अब इंडिया में हो रहा है तो इंडिया ले जाएगा, मुश्किल मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया जिस टाइम जो चार्ज मोमेंट है ना उसका, वो ये वर्ल्ड कप नहीं छोड़ने वाली, जो मर्जी गल है उसने बड़ी टैक्टिक लगा देनी है, पूरी जान मार देनी उस मैच को, मैच फंसेगा जरूर लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। अच्छा तो ये दो वर्ल्ड कप की टॉप टीम्स थी, बिल्कुल टॉप, तो आप देखते हैं कि बड़ा टाकरा होगा इनके दरमियान, और एक इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वन साइड मैच देखने को ना मिले, बेस्ट मैच होना चाहिए, मजा आया मैच के, जिसका आज मजा आया, ठीक है जिस तरह कल मैच का मजा भी नहीं बिल्कुल आया, ठीक है कल क्योंकि अच्छा मैच जा रहा था, लेकिन एकदम से पाकिस्तान की फीलिंग पाकिस्तान को होना चाहिए, पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप का मजा नहीं है, हमें मजा नहीं ना हो रहा, ऑब्वियसली हम नेशनलिज्म भी है हमारा थोड़ा, लेकिन मसला ये है कि आपकी टीम ने अंडर परफॉर्म किया बहुत ज्यादा, आपके जो सदाब खान उन्होंने क्या आपके मैं पाकिस्तान के सदाब खान के तो मैं खुद बहुत खिलाफ हूँ, उसकी एक वीडियो करेंगे जिसमें पाकिस्तान की क्या मिस्टेक्स थी बेसिकली, जी जी ऐसी मिस्टेक जो किसी चैनल ने नहीं बताई, उनकी मिस्टेक क्या नहीं,
वो आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।